अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूँ डॉक्टर जमजम और आज का हमारा टॉपिक है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी या एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। सबसे कॉमन क्वेश्चन रूट कैनाल से रिलेटेड ये होता है कि रूट कैनाल कब कराई जाए, कब करानी है रूट कैनाल, कैसे होगी रूट कैनाल, रूट कैनाल में दर्द होगा नहीं होगा, रूट कैनाल के बाद कैप लगाना है नहीं लगाना, रूट कैनाल कितने विजिट्स में होगी, रूट कैनाल के प्राइस क्या होंगे। तो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और इन द एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि पेशेंट को इन द एंड कैसे मेक श्योर करना है कि उसकी रूट कैनाल हुई भी है या नहीं हुई, या सही हुई है या नहीं हुई है। ओके, तो स्टे विद मी। तो जनाब, रूट कैनाल को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको टूथ का स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। जितना दांत आपको बाहर नज़र आ रहा है यानी कि क्राउन, उससे तकरीबन डबल कह लें, उससे डबल हमारी रूट्स होती हैं जो गम्स के अंदर या बोन के अंदर होती हैं। हर दांत की अलग रूट कैनाल होती है, अलग मॉर्फोलॉजी होती है, अलग स्ट्रक्चर होता है। जो फ्रंट टीथ होते हैं वो सिंगल कैनाल्ड होते हैं, उसकी रूट कैनाल तक वन विजिट में हो जाती है, इट्स सो इजी, उसके ज़्यादा इतने पैसे भी नहीं लगते हैं और वो सिंगल विजिट में डेंटिस्ट आपकी रूट कैनाल कर देगा। लेकिन जो पीछे के दांत होते हैं, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, उनमें कभी कभी दो कैनाल्स होती हैं, कभी थ्री होती हैं, कभी फोर होती हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट कंपेरेटिवली उसमें तकरीबन 2-3 विजिट्स भी लग सकते हैं, उसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेंटिस्ट और उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं करने की, इस पर सब डिपेंड करता है कि उसकी क्या क्या चार्जेस होंगे। ठीक, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है वो ये कि रूट कैनाल कब कराई जाए, पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसको रूट कैनाल की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे आपके दांत में अगर कैविटी लग रही है और आप अपनी कैविटी को इग्नोर करते जाएंगे, उसको बड़ा होने देंगे और अल्टीमेटली कैविटी जो है वो पल्प तक या नर्व तक जा पहुँचेगी या वो बहुत डीप चली जाएगी। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप टूथ का स्ट्रक्चर समझें। सबसे ऊपर वाली लेयर इनेमल है, उसके बाद डेंटीन है। जब तक कैविटी इनेमल और डेंटीन में है, इट मीन्स कि वो फिलिंग से सही हो जाएगी। लेकिन वंस द कैविटी और द केरीज इंटर द पल्प, इट मीन्स यू नीड रूट कैनाल। उस टाइम आपको पेन भी होगा, पेन बहुत शदीद होगा, वो किसी मेडिसिन से चला जाएगा, फॉर द टाइमिंग कम हो जाएगा, लेकिन वो दोबारा आएगा। रातों को बहुत ज़्यादा होगा, गर्म खाने के बाद बहुत ज़्यादा स्पेशली होता है रूट कैनाल का। तो ये इंडिकेशन है रूट कैनाल की कि आपके दांत में कैविटी है और वो पेनफुल कैविटी है। दूसरी इंडिकेशन ये है कि कभी कभी पेशेंट देखते हैं कि वो गम्स वाले एरिया से उनको एक पिंपल जैसी चीज़ या एक पस जैसी चीज़ नज़र आती है, जो भले पेनफुल ना हो लेकिन इट 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 इज़ इंडिकेटिंग दैट देर इज़ इन्फेक्शन इनसाइड। तो जब वो आपको पस नज़र आ गया, आपको वो दाना नज़र आ गया, कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही रिजॉल्व भी हो जाता है, लेकिन वो दोबारा आएगा, वो रिकरेंट है। ठीक है, तो जब वो दोबारा आएगा तो मज़ीद पेन और इन्फेक्शन के साथ आएगा, इट मीन्स कि आपके दाना के अंदर इन्फेक्शन है और आपको रूट कैनाल की ज़रूरत है। ठीक है, तीसरी इंडिकेशन ये है कि पेन कुछ नहीं है, ना कोई स्वेलिंग है, ना कोई रेडनेस है, लेकिन दांत आपके डिसकलर्ड है, ग्रे कलर का दांत है। ये मेजॉरिटी फ्रंट टीथ में होता है, पेशेंट को पता भी नहीं होता, उनका दांत ग्रे होने लगता है। जब वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उनकी हिस्ट्री ये होती है कि बचपन में कभी ना कभी वो कहीं ग्रे हैं, उनको कोई ट्रॉमा हुआ है, उनको किसी ने कहीं मारा है दांत पे, तो इस तरह उनके दांत जो है वो जब वो बड़े होते हैं तो वो डिसकलर्ड होना शुरू हो जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट ये है कि रूट कैनाल होती है और फिर वो दांत आपका वाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन बेसिक इंडिकेशन है रूट कैनाल की। आप डेंटिस्ट के पास गए हैं रूट कैनाल के लिए, डेंटिस्ट पर सबसे पहले आपको इंजेक्शन लगाएगा, ठीक है, ताकि आपके जो भी आगे प्रोसीजर है वो पेनलेस हो जाए। तो रूट कैनाल एक पेनलेस ट्रीटमेंट है। एक दफ़ा आपका सुन हो जाए, एक दफ़ा आपको इंजेक्शन का दर्द बर्दाश्त करना है, उसके बाद सारा ट्रीटमेंट पेनलेस है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप ये होगा, जो भी आपके दांत में कैविटी है, जो भी कीड़ा है, जो भी ब्लैक एरिया है, डेंटिस्ट उसको क्लीन करेगा। उसके बाद जो नर्व है, जो चैम्बर है, उसको ओपन करते हैं, यानी कि ड्रिल को और गहरा किया जाता है, चैम्बर ओपन करके उसको स्मॉल पिंस की मदद से, जिनको हम फाइल्स कहते हैं, उससे सारी क्लीनिंग और शेपिंग की जाती है। ठीक है, सबसे पहले एनेस्थीसिया, देन चैम्बर ओपनिंग, देन क्लीनिंग एंड शेपिंग। वो काफ़ी दफ़ा उसको हर कैनाल में से क्लीन करेगा, जो भी आपका इन्फेक्टेड पल्प है। ठीक है, क्लीनिंग शेपिंग एक दफ़ा हो गई, उसके बाद डेंटिस्ट आपको टेम्प्रेरी फिलिंग करके घर भेज देते हैं सेकेंड विजिट के लिए। तो आपको लाजम सेकेंड विजिट कराना है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर वो दोबारा क्लीनिंग एंड शेपिंग करेंगे, उसके बाद फिर वो उसकी फिलिंग ज़रूर करेंगे, यानी कि रूट्स की फिलिंग। वो एक आगे आखिरी स्टेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो ज़रूर कराएं। कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट नेक्स्ट विजिट पे नहीं जाते क्योंकि उनको दर्द नहीं होता है, तो लेकिन उनकी रूट कैनाल कंप्लीट नहीं होती, वो दोबारा कभी ना कभी इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि रूट कैनाल फुली सील्ड नहीं है। तो ये लास्ट स्टेप जिसको हम ऑब्चुरेशन कहते हैं, रूट कैनाल की फिलिंग कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपको लाजम कराना है। इसकी फिलिंग के बाद डेंटिस्ट आपके दांत के ऊपर या तो फिलिंग कर देंगे, यानी रूट की फिलिंग कर दी, उसके बाद टूथ की फिलिंग कर दी, उसके बाद क्राउन। ठीक है, ये स्टेप वाइज प्रोसीजर है। क्राउन बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि हम अगर क्राउन ना लगवाएं तो क्या होगा। तो आप यूँ समझ लीजिए कि अगर रूट कैनाल के बाद एक दांत की जो लाइफ है वो 5 ईयर्स है, तो क्राउन के बाद उसकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स। तो क्राउन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है आपके दांत को, क्योंकि
क्योंकि पीछे च्यूइंग फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, इसलिए पीछे रिकमेंड किया जाता है क्राउन लगाएं, ताकि फोर्सेस लगने से ये ना हो कि दांत का फ्रैक्चर हो जाए। कभी कभी फिलिंग फ्रैक्चर हो जाती है, कभी दांत फ्रैक्चर हो जाता है, इसलिए क्राउन होगा तो वो होल्ड करके रखेगा। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये रूट कैनाल का ट्रीटमेंट समझ आ गया होगा। और इन द एंड जो मैंने आपसे कहा था कि एंड में आपको पेशेंट को कैसे पता चलेगा, पेशेंट को कैसे मेक श्योर करना है कि हमारी रूट कैनाल सही हुई है या नहीं हुई है, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये आपको, आप जब भी आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड हो, आप अपने डेंटिस्ट से बोलें कि मुझे एक फ़ाइनल एक्सरे ज़रूर चाहिए। ठीक है जनाब, जब एक फ़ाइनल एक्सरे आप कराएंगे, आप उसको देखें, तो उसमें आपको इस तरह की वाइट लाइंस नज़र आनी चाहिए आपके रूट के अंदर। अगर इस तरह की वाइट लाइंस हैं, इट मीन्स कि आपकी रूट कैनाल कंप्लीट है। वाइट लाइंस नज़र आ रही हैं, आपको क्राउन नज़र आ रहा है, अलग से वाइट कलर का रेडियो ओपेक होगा नज़र आएगा। अगर मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो आके कहते हैं कि हमारी रूट कैनाल इस दांत की हुई हुई है, बहुत पहले कराई थी, लेकिन एक्सरे के बाद पता चलता है उनकी रूट कैनाल नहीं हुई। इसमें दो लोगों की गलती है, या तो कभी डेंटिस्ट की गलती होती है कि डेंटिस्ट ने सिर्फ क्लीनिंग करी और पेशेंट को अपॉइंटमेंट नहीं दिया, दोबारा नहीं बुलाया। कभी कभी डेंटिस्ट बुलाते हैं और पेशेंट नहीं जाते कि भाई हमारा दर्द सही हो गया, हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये दो सिनेरियोज़ हो सकते हैं, लेकिन आपको रूट कैनाल का ट्रीटमेंट पूरा कराना है। 2 विज़िट्स हो, 3 विज़िट्स हो, जितनी दफ़ा डेंटिस्ट आपको बुलाए उतनी दफ़ा आप जाएँ। कभी कभी ऐसा होता है इन्फेक्शन अंदर होता है तो हमें उसको ड्राई करना होता है, कभी हो सकता है वो 2-3 से ज़्यादा बुला लें आपको, तो आप जाएँ और रूट कैनाल कम्प्लीट ज़रूर कराएँ। बीच में अगर आप जाएंगे, बीच में अगर आप छोड़ देंगे, तो बाद में आपको वो चीज़ ज़्यादा तंग कर सकती है और फिर वो अल्टीमेटली रिमूवल की तरफ जा सकती है, दांत निकलेगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आई होप मैंने सारे कंसर्न आप लोगों के रूट कैनाल से रिलेटेड क्लियर कर दिए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात रह होगी आप लोगों से। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन करें, ताकि आप नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर।